वायुदेव, ये वायुदेव क्या कर रहे हैं? किस अधिकार से वो ये वचन दे रहे हैं उस बालक की मां को कि उसके पुत्र को वो सकुशल वापस लाएंगे? वो मेरे कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये अनुचित है। अनुचित कार्य तो आपने किया है देवराज इंद्र। प्रणाम देव बृहस्पति। कबोध बालक पर वज्र जैसे प्राण घातक अस्त्र से प्रहार किया आपने। आपके हाथ थरथराए नहीं ऐसा करते हुए? अबोध मत कहिए उसे देव गुरु बृहस्पति। यदि वो मुझसे क्षमा मांगता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, किंतु वो एक उद्दंडी बालक था। मैंने जो भी किया वो उचित था। सृष्टि के विधान और नियमों के अनुसार ही मैंने न्याय किया है। न्याय? यदि आप इसे न्याय की संज्ञा दे रहे हैं तो आपके न्याय की परिभाषा में सुधार की आवश्यकता है। न्याय अन्याय का ज्ञान है मुझे देव गुरु बृहस्पति। मैं देवों का राजा देवराज इंद्र हूं। समस्त सृष्टि और प्रकृति को विधान और नियमों के अनुसार संचालित करने का उत्तरदायित्व मेरा ही है। उस बालक ने घोर अपराध किया था। इंद्रदेव, अपराध के पीछे कोई आपराधिक भावना थी या नहीं, अपराध करने वाले की आयु क्या थी, इन सब को ध्यान में रखते हुए न्यायकर्ता को दंड देना चाहिए। एक बालक ने कितना भी घोर अपराध किया हो, किंतु संसार के किसी भी विधान में एक अबोध बालक के लिए मृत्यु दंड की व्यवस्था नहीं हो सकती। और यदि कोई ऐसा करता है तो वो स्वयं अपराधी माना जाएगा। देव गुरु बृहस्पति, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने अन्याय किया है तो मैं अभी इसी क्षण आपको देव संहिता दिखा देता हूं, जिसमें कहीं भी कभी भी व्यस्क या बालक का उल्लेख ही नहीं किया गया है। प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करने वाले को केवल दंड ही मिलता है। वो प्रकृति कभी स्वयं देती है या फिर मुझ जैसा देवता। यही न्याय व्यवस्था देव संहिता की है। देव सह्याद्री, जाओ जाकर देव संहिता ले आओ और दिखाओ देव गुरु बृहस्पति को, जो स्वयं उन्होंने ब्रह्मदेव के साथ मिलकर बनाई है। अभी प्रमाणित हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है या देव गुरु जो कह रहे हैं वो सत्य है। देव संहिता नियमावली का मुझे भली भांति स्मरण है देवराज इंद्र, किंतु एक ऐसा अबोध बालक जिसका जन्म ही देव कार्यों की सिद्धि के लिए हुआ था, उसका अंत करके आपने स्वयं देवों के कार्य को संपन्न करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दी है। देवों के कार्यों की चिंता आप न करें देव गुरु, समय आने पर सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। बस, बस, बस। मैं जितना समझा सकता था आपको उतना मैंने समझा दिया, फिर भी आप स्वयं को उचित ठहरा रहे हैं देवराज इंद्र। मुझ देव गुरु बृहस्पति की बात यदि आपको असत्य प्रतीत हो रही है तो मेरे लिए देव गुरु पद का त्याग ही उचित है। हाँ? देव गुरु तो रुष्ट होके चले गए। देव गुरु ने अपने पद का त्याग कर दिया। हे जगत पालक श्री हरि विष्णु देव, हे जगत कर्ता ब्रह्मा जी, हे देवों के देव महादेव, अब आपके समक्ष है ये अबोध मारुति। आप त्रिदेवों से तो संसार में कुछ भी नहीं छिपा। एक अबोध बालक जो अपनी माता के नेत्रों में अश्रु देखकर उसका दुख दूर करने के लिए सूर्य लोक तक चला है, मारुति ने तो बालपन में सूर्य को अपना ग्रास बनाया, किंतु इंद्रदेव तो बालक नहीं है। जो उन्हें यह भी ज्ञान नहीं कि एक बालक को कितना दंड देना चाहिए,
हे त्रिदेवो, अन्याय हुआ है इस बालक के साथ। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया है इस पर। प्रश्न उस वचन का नहीं है जो मैंने देवी अंजना को दिया है, ना ही प्रश्न एक माता के विलाप का है। प्रश्न है देवराज इंद्र द्वारा किए गए इस अन्यायपूर्ण कार्य का। प्रश्न है इस अबोध बालक के जीवन का, जिसका जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ था। प्रश्न ये है कि जगत के समक्ष देवताओं के कौन से न्याय का रूप प्रस्तुत करेंगे हम। महादेव, आपका न्याय तो सर्व विदित। आपने मारकंडे को यमराज के मृत्यु पाश से मुक्त कराके उसके जीवन की रक्षा की थी। आपने जगत के कल्याण के लिए काल को पुनः जीवन दान दिया था। जब कार्तिकेय के हाथों उसकी मृत्यु हुई थी, आप मारुति को भी जीवन दान दे दीजिए प्रभु। पुनः जीवित कर दीजिए उसे, जीवित कर दीजिए मेरे मारुति को। इसे पुनः जीवित कर दीजिए महादेव। हे भोलेनाथ, हे करुणा के सागर, हे कृपा सिंधु, एक समय आपके कृपा प्रसाद के रूप में मारुति मेरे आंचल में आया था। आज पुनः मेरा आंचल सूना हो गया है। इसे फिर से भर दीजिए भोलेनाथ। मैं शपथ लेती हूं, यदि इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व मेरा मारुति सकुशल लौट कर नहीं आए, तो मैं आपकी पुजारिन अंजना यही आपके चौखट पर अपने प्राण त्याग दे, प्राण त्याग दे, प्राण त्याग दे।